नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। प्रदेश में सहारा इंडिया की दो कंपनियां हैं, जिसमें गांव-गांव, शहर और मोहल्ले में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपने खून पसीने की कमाई जमा कर रखी थी। जमा की गई राशि की समय अवधि पूरी हो जाने के बावजूद उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यकता होने पर जमा राशि की निकासी नहीं की जा रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमित कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार गरीबों और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं से खुली लूट भाजपा सरकार की शह पर की गई है। गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों का पैसा वापस दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी और उसके लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव अमित कुमार जायसवाल ने कहा कि सहारा ग्रुप और पीसीएल लिमिटेड ने छोटे छोटे दुकानदारों, ठेला पटरी चलाने वाले गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों, मजदूर महिलाओं, घरेलू काम करने वाली महिलाओं ने 10-10 रुपए से लेकर सैकड़ों रुपए का दैनिक भुगतान का आरडी खाता खुलवाया। मजदूर महिलाओं, घरेलू काम करने वाली महिलाओं ने 10 रुपए से लेकर सैकड़ों और फिक्स डिपॉजिट भी किया था। समय अवधि पूरी हो जाने के बावजूद उपभोक्ताओं द्वारा जमा राशि वापस नहीं हो रही है, यह गरीबों पर अत्याचार है। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राम कुमार पाल ने कहा कि सहारा की दो कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 2,25,00,000 निवेशकों से लगभग 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। उपभोक्ताओं ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनराशि निवेश की थी, अब उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। सरकार भी इन लोगों की आवाज सुनकर भी अनसुना कर रही है। यह पूंजीपतियों और मोदी सरकार की मिलीभगत में नकाब हो गई है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता अवधेश कुमार मिश्रा बबलू ने बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमित कुमार वर्मा, जितेंद्र की अध्यक्षता और उपाध्यक्ष गुलाम रसूल छोटू के संचालन में कांग्रेस जनों ने अम्बेडकर प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन कर गरीबों की जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार सिकंदरपुर अनुराग यादव को सौंपा। प्रमुख रूप से मीडिया प्रभारी डॉक्टर विजय शंकर तिवारी, आलोक पाठक, बद्री नारायण शुक्ल, सोशल मीडिया प्रभारी संजय तिवारी, जिला उपाध्यक्ष प्रवक्ता अवधेश कुमार मिश्र, गुलाम रसूल छोटू, रवि शुक्ला, वैभव, आनंद पांडे, राकेश वर्मा, अमित कुमार यादव, संजय रामजी, विपुल वर्मा आदि मौजूद रहे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के दिशा निर्देश पर ये जो सहारा समूह का एक घोटाला है, इतने गरीब लोग इसके पैसा इन्वेस्ट किए हैं, मध्यम क्लास 12,00,000 कर्मचारी, ये पैसा डूबने के कगार पे है। ये सरकार जनता ने जिसको मालिक बना के रखा, केवल सत्ता भोगने के लिए बैठी है बीजेपी सरकार। कोई सुध नहीं लिया 5 सालों में कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है ये सरकार। मतलब ये जो सहारा समूह, अगर पैसा निकालने जाओ तो कहती है बस 5 साल का हम जस्ट दुगना कर देंगे, फिर अगर आपका 5 साल पूरा हो गया तो कहती है 10 साल में आप पैसा लीजिए तिगुना कर देंगे, फिर 10 साल में लीजिए 6 गुना कर देंगे। इस तरीके से पब्लिक को ठग के पैसा नहीं दे रही है और गरीब को, मध्यम क्लास कर्मचारियों को लग रहा है कब हमारे साथ ठग बिदई कर रहे हैं। ये सरकार सुध भी नहीं ले रही है कि उस ठग से कैसे पैसा वापस कराएँ। हम लोग कांग्रेसी जन आज धरने पर बैठे हुए हैं अम्बेडकर नगर में, या हमारे मुख्यालय पे भी बहुत, मतलब यहाँ अम्बेडकर नगर में बहुत पीड़ित है, फल से हैं और सहारा से हैं। तो ये पैसा ये सरकार वापस दिलाए, हम इसी मांग के लेके धरने पे बैठे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो ये आंदोलन का रूप ले लेगा। कांग्रेस अब की बार विधानसभा में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस अब की बार 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि जो भी दल यहाँ लड़ना चाहता है चुनाव, उसका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई घोषणा नहीं है कि हम पब्लिक के लिए क्या करेंगे। बस वो हार और जीत पे निर्भर करता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। तो जनता ऐसे वोट नहीं देने जा रही है, क्योंकि आजकल कांग्रेस पार्टी जो है गरीब पीड़ित परिवार और तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ धरना पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? ये आप देख ही रहे हैं, ये सरकार जो है निकम्मी हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। थाने पे पैसा लगता है, हर ऑफिस में पैसा, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है इस सरकार की। और हर आदमी जो पीड़ित होते हैं यहाँ के धरना बैठता है, आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले देखा होगा, रजाई उठा ले जाते हैं, गद्दा उठा के ले जाते हैं। कौन सा लोकतंत्र है? हर आदमी अपना यहाँ बुलंदी से अपनी बात नहीं रख सकता।
तो कैसे राजनीति निर्भर करेगा। ये जो सत्ता में लोग बैठे हैं, कभी इनको भी ये जरूरत पड़ेगी इस लोकतंत्र की, इनको यह एहसास नहीं है। ये हम लोग एहसास कराने वाले हैं कि लोकतंत्र को बचा के रखो, इसलिए कांग्रेस पार्टी आज धरने पे बैठी है और सबके न्याय के लिए बैठी है। नहीं, पार्टियां सपा बसपा है, भाजपा है, लेकिन क्यों कांग्रेस ही पार्टी जनता के इतने धरने पे कार्यक्रम करती है? लोगों की जवाब आज़ादी से लेके कांग्रेसी जन आज़ादी दिलाए इसी मंच तले, और इसी मंच तले हम लोग फिर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। ये जो दूसरे दल आए हुए हैं, छलावा देते हैं, चंद लाभ नहीं हो रहा है। आज 32 साल से इस प्रदेश में सरकार नहीं है, तो देखिए आपका क्या विकास हुआ। मैं इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जिला अध्यक्ष होने के नाते हर आदमी अपना घर का विकास देख ले, तभी देश का विकास होता है। एक व्यक्ति के विकास होने से कोई विकास नहीं होता है। एक उद्योगपति के पास ज़्यादा पैसा रहेगा थोड़ी पूरे देश का विकास हो जाएगा। जब तक हर एक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास।